चंदौली थप्पड़ बाद सीओ अनिरुद्ध सिंह का मामला पकड़ रहा है तूल। सीओ पीडीडीयू नगर अनिरुद्ध सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। बताते चलें कि चंदौली जिले में मुगलसराय इलाके के सपा नेता व नगरपालिका पूर्व चेयरमैन राजकुमार जायसवाल के पुत्र को मतदान के दिन थप्पड़ मारने की घटना से आहत हुए अब समाजवादी पार्टी के नेताओं के लोगों ने सीओ अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मामले ने धीरे धीरे तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि चुनाव के दिन सीओ अनिरुद्ध सिंह ने सपा नेता के बेटे को सरेआम थप्पड़ मार दिया था। जानकारों के अनुसार सपा नेता के बेटे को मारने की वीडियो वायरल होने के बाद एसपी अंकुर अग्रवाल ने इस मामले की जांच के लिए कार्रवाई की है। बताते चलें कि इस क्रम में आज थप्पड़ मारने के मामले को लेकर सपा प्रतिनिधिमंडल डीएम एसपी से मिला। बता दें कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए हैं सपा नेता। साथ ही सपा के लोगों ने सीओ को मतगणना प्रक्रिया से बाहर किए जाने की मांग किया है। आपको बताते चले कि विधायक प्रभु नारायण यादव ने सीओ के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सदन में मामला उठाने की दे दिया है चेतावनी। आपको यह भी बता दें कि पूर्व सांसद रामकिशन यादव समेत सपा के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकर मिलने आए थे आप विधायक भी, किस तरह का ये माहौल है और इसको आगे लेकर किस तरह से कदम उठाएंगे? देखिए, हम लोग बहुत पहले कहे थे चुनाव से पहले, हम जनता के बदौलत चुनाव लड़ना चाहते हैं और अधिकारियों के बदौलत चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसा इनका नज़ारा देखा आपने, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, सत्ता दल के विधायक की मौजूदगी में विपक्ष पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी के लोगों को जिस तरह से पिटाई करना, अपमानित करना, जानबूझ करके ऐसा काम करना, पोलिंग को प्रभावित करना, तो ऐसी घटना इन्होंने किया है। इनके विरुद्ध तो अब तक कार्रवाई हो जाना चाहिए था। ये जिलाधिकारी भी हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इनसे मांग की अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए। कार्रवाई अब क्या करते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन हम लोग ये मांग करने आए हैं कि ऐसे अधिकारी जो विवादित हो, जो निर्णय को प्रभावित करेंगे, गणना को प्रभावित करेंगे, ऐसे लोगों को मतगणना के कार्य से दूर रखा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप विधायक भी हैं, विशेषाधिकार भी आपका है, तो अगर इस मामले को क्या सदन में भी उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, हम लोग कहे हैं यदि नहीं मानते, कार्रवाई नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से ये सरकारी इशारे पर जो ये काम कर रहे हैं अधिकारी, इनके कारनामे को हम लोग निश्चित रूप से विधानसभा में भी उठाने का काम करें। हम लोग डीएम साहब के पास भी गए थे, कप्तान साहब के पास गए थे, बोलने गए थे, क्योंकि पहले सरकार में लाज और शर्म थी, आज लाज और शर्म खत्म हो गया है। विधायक के इशारे पर अगर एक सीओ थप्पड़ मारता है चेयरमैन के भाई को, बेटा को, यह बड़ी शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अगर इसी बात पर अगर डंडा उठाने लगे, क्योंकि इशारे पर ही होगा, तो हो सकता है कि इशारे पर कार्यकर्ता भी उठाएँ, तो चंदौली में एक बहुत बड़ा बवाल होने का काम होगा। आज हम लोग कहने गए थे कप्तान साहब को, अगर वो नहीं सुनवाई होगी तो अगर जो भी कुछ होगा वो कप्तान साहब इसके बारे में जाने जाएं।